তো দেখো এই একটা মানুষ ঘুমিয়ে আছে, ঠিক আছে? এখানে তোমরা কিরকম বুঝতে পারছো জানি না, এসে একটা মানুষ কপি লেভেল ভাই, মানে মানে এখানে দেখতে পাচ্ছ এখানে আলাদা লেভেলের, মানে এখানে একটা মানুষ আছে, ঠিক আছে? আমি একটু ঘুরবো জাকির ভাই। ঠিক আছে, এই সামনে নাই কেউ আসবি না টোটালে। सबसे ज्यादा अफ्रीका से मिलते हैं। वैज्ञानिकों और पुरातत्वविदों ने अब तक जिन प्राचीनतम अवशेषों को खोजा है उनमें कई अफ्रीकी जमीन में पाए गए हैं। हड्डियों के टुकड़े, खोपड़ी के हिस्से, आधुनिक उपकरणों के आकार वाले पत्थर, ये सभी एक ही निष्कर्ष की ओर इशारा करते हैं कि मानव समान विशेषताओं वाले प्राणी सबसे पहले अफ्रीका में ही रहते थे। अध्ययन, उत्खनन और उससे प्राप्त वस्तुओं के विश्लेषण के जरिए करते हैं। हाल में विज्ञान की प्रगति ने हमारे विश्लेषण को मदद दी है। कार्बन
डेटिंग और अन्य तकनीक से हम किसी वस्तु की आयु जान सकते हैं। अब हम पुराने हड्डी के टुकड़ों से डीएनए हासिल कर इसकी तुलना अन्य लोगों से कर सकते हैं। करीब 50 लाख साल पहले मानव वंश वृक्ष विभाजित हो गए, आगे वानर के रूप में विकसित हुए, जैसे हमारे करीबी अनुवंशिक संबंधी चिंपैंजी। जबकि अन्य हमारे आरंभिक पूर्वज के रूप में विकसित हुए। एक अहम खोज से पता चलता है कि कब वानर इंसानों की तरह हो गए। रात में जीवाश्म तो उनके पैरों के निशान बताते हैं कि पूर्व मानव वानरों का एक समूह ज्वालामुखी की छाया में चला था। वो भी दो पैरों पर। हम इन्हें ऑस्ट्रेलोपिथेकस या दक्षिणी बंदर कहते हैं। हम नहीं जानते कि ये दो पैरों पर कैसे चलने लगे। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि उन्होंने सीधा होना तब सीखा जब जलवायु बदलने लगी और खुले मैदानों में जंगलों की जगह ली। कारण चाहे जो, चार पैरों की तुलना में दो पैरों पर खड़े होने के कई फायदे थे। इससे वे दूर तक देख सकते थे और हाथों का इस्तेमाल खाने और बच्चों को पकड़ने के लिए कर सकते थे। इस परिवर्तन में लाखों साल लग गए और कई प्रजातियां अधिक स्थिर होकर चलने लगी। इस प्रक्रिया में उंगली से पकड़ने की क्षमता खत्म हो गई, उनके निचले अंग पैर बन गए और ऊपरी अंग हाथ। उनके दिमागों के आकार और जटिलता बढ़ने लगी, वे बंदरों की क्षमता से परे जाकर सोचने लगे। शायद किसी आदि मानव ने यूं ही पत्थर से फली को मारा होगा और उठ गया, और जितनी बार उन्होंने ऐसा किया उनकी याददाश्त बढ़ती गई। कुछ समय बाद उन्होंने पत्थरों को ही तोड़ना शुरू किया और उन्हें नुकीला बनाया ताकि उनका इस्तेमाल फली तोड़ने के साथ साथ मांस काटने में भी हो सके। हम इन्हें होमो या मानव कहते हैं। उन्हें नए औजारों से अन्य जानवरों द्वारा छोड़े गए मांस को काटने में मदद मिली। मांस खाने से उन्हें अधिक प्रोटीन मिलने लगा। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि इस कारण उनके मस्तिष्क के आकार बढ़ गए। उनकी तादाद बेशक कम नहीं होगी, मगर वे परिस्थितियों से अनुकूल होने में वानरों से अधिक सक्षम थे और वे अफ्रीकी जंगल वाले इलाकों से बाहर जाने लगे। आज मानव को मांस की तलाश में वह जाना पड़ता था जहां अन्य शिकारी थे। लगभग 20 लाख साल पहले होमो की एक नई प्रजाति उभरने लगी। होमो इरेक्टस सीधे खड़े होकर दूर तक चल सकते थे और इस प्रकार खतरों से भी बच सकते थे। मध्य पूर्व और एशिया में पाए गए जीवाश्मों से पता चलता है कि इस प्रक्रिया में वे अफ्रीका से बाहर फैलने लगे। जैसे जैसे वे नई जगहों पर गए उन्होंने नए हुनर सीखे, उनके औजार बेहतर हुए जिनसे उन्हें मांस काटने में मदद मिली। अधिक धूप वाले खुले वातावरण में उनके बाल कम घने होने लगे। शिकार तक तुरंत पहुंचने के लिए उन्होंने दौड़ना सीख लिया। शरीर को ठंडा रखने के लिए उन्हें पसीने आने लगे क्योंकि उनमें अन्य जानवरों की तुलना में ज्यादा ग्रंथियां थी। कुछ साक्ष्यों के अनुसार शायद वे आग का इस्तेमाल भी करते थे और उनके दिमाग बढ़ते हुए लगभग आज के हमारे मस्तिष्क के आकार के हो गए। लगभग 7 लाख साल पहले अफ्रीका में एक नया समूह विकसित हुआ जिसे हम होमो हाइडलबर्गेंसिस या हाइडलबर्ग मैन कहते हैं। उनके शरीर अधिक बड़े और मांसपेशियों वाले थे ताकि वे विभिन्न जलवायु में रह सके। अब वे सिर्फ मरे हुए जानवर ही नहीं खाते थे बल्कि खुद भी शिकार करने लगे। मामूली औजारों की जगह हाथ की कुल्हाड़ियों ने ले ली। वे पत्थर की नुकीली नोक और धार धार चाकू बनाना जान गए और शायद
लकड़ी के भारे को। एवोल्यूशन यानी भूत विकास की प्रक्रिया पहले की तरह जारी रही। हजारों सैकड़ों सालों के दौरान हमारे पूर्वज अफ्रीका के बाहर यूरोप और एशिया में फैले। होमो हाइलोवर्गेंसिस से कई नई संबंधित प्रजातियां विकसित हुई। उनकी शारीरिक विशेषताएं एक समान थी, लेकिन उनमें से कोई भी आधुनिक मानव की तरह नहीं था। इन प्रजातियों में हम सबसे ज्यादा होमो नियंडरटॉलेंसिस यानी नियंडरटॉल के बारे में जानते हैं, जो हमारे सबसे करीबी विलुप्त रिश्तेदार हैं। उनके शरीर छोटे और गठीले थे और वे ठंड सह सकते थे। उनके कंधे चौड़े, हाथ छोटे और नाक काफी बड़े थे। वे आदि पोशाक पहनते थे। वे पहले से बेहतर औजारों का इस्तेमाल करते थे और पत्थर काटने से पहले औजार का आकार तय कर लेते थे। वे शायद किसी आदिम भाषा में बातचीत करते थे। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि उन्होंने आग जलाना और उसका इस्तेमाल करना सीख लिया था। हमारे पास नियंडरटॉल के समय के पुरातत्व प्रमाण ज्यादा है। नियंडरटॉल की जीवाश्म हड्डियों के फ्रैक्चर और जख्मों से हमें पता चलता है कि इनके जीवन मुश्किल भरे थे। लेकिन ऐसे भी उदाहरण हैं जिनसे पता चलता है कि उनकी उम्र लंबी भी हुआ करती थी। नियंडरटॉल और उनसे संबंधित प्रजातियों का लाखों साल तक अफ्रीका के बाहर दबदबा था। वे यूरोप से इंडोनेशिया तक अलग अलग वातावरण को सहते हुए सफलतापूर्वक रह सकते थे। लगभग 7,000 साल पहले अफ्रीका में विकसित एक नई प्रजाति बाहर फैलने लगी। ये पहले आधुनिक मानव थे, जिन्हें हम होमो सैपियंस कहते हैं। कुछ समय तक ये विभिन्न प्रजातियां साथ साथ रहीं। हमारे पास साक्ष्य हैं कि वे संकरित थे और विचारों का आदान प्रदान करते थे, जैसे गहने बनाने और इन्हें पहनने के तरीकों के बारे में। उन्होंने पोशाक के लिए जानवर की खाल का इस्तेमाल किया होगा। फिर नियंडरटॉल लुप्त होने लगे, शायद इसलिए क्योंकि उनके मांसपेशियों वाले शरीरों को जरूरत पड़ती थी अधिक भोजन की। आधुनिक मनुष्य लंबे लेकिन कम वजन के थे। उनके बच्चे देर से व्यस्त होते थे, इससे उन्हें विकसित होने और सीखने के लिए ज्यादा समय मिलता था। उनमें चिंतन की क्षमता आ गई थी। वे नियंडरटॉल की तुलना में बेहतर तरीके से शिकार और भोजन इकट्ठा कर सकते थे। उन्होंने हैंडल युक्त औजार, बेहतर भाले, छेद वाली सुई, आपू और गहने बनाए। वे ठंडे मौसम में अनुकूल कपड़े पहनने लगे और पहली बार जूते का इस्तेमाल भी किया। उन्होंने प्रजनन के प्रतीक में महिलाओं की मूर्तियों की नक्काशी की, गुफाओं में चित्र बनाए और हाथी के दांतों या चिड़ियों की हड्डियों से बांसुरी बनाई। उन्होंने आग का अधिकतम प्रयोग और नियंत्रण करना सीखा। आदिम चूहों के पुरातात्विक खोजों से हमें पता चलता है कि वे पारिवारिक समूहों में रहते थे। आग हर समय मौजूद रहती थी, उन्हें उससे गर्मी और रोशनी मिलती थी और जंगली जानवरों से बचाव भी होता था। उन्होंने ऐसी स्थितियां बनाई ताकि वे अपनी दुनिया के बारे में ज्यादा जान सकें। जीवन के बाद क्या होता है, ये होमो सैपियंस के लिए बड़ा सवाल था। 1,00,000 साल पहले मध्य पूर्व में साफ सफाई के लिए मरे हुए लोगों को दफनाया जाता था। हो सकता है अन्य क्षेत्रों में मुर्दों को जलाया जाता होगा, जिस कारण पुरातत्वविदों के पास इसकी कोई सबूत नहीं है। तकरीबन 40,000 साल पहले होमो सैपियंस ने